गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिप्लोमा फिफ्थ सेम मैकेनिकल टी टू थर्मल इंजीनियरिंग टू सब्जेक्ट। आज नो टॉपिक छे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगाउ आपणे वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टडी करेली छे, VCR आपणे ऑलरेडी स्टडी करी लीधेली छे। हवे बीजी सिस्टम कई छे? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जुए कि आ सीस्टम केवी है, कई रीते VCR थी अलग पड़े छे। ओके, बेसिकली स्केमेटिक डायग्राम आपणे ड्रॉ करेलो छे। ओके, तेना पार्ट्स, मेजर पार्ट्स आपणे पहेला जुए तो जनरेटर, कंडेन्सर, इवेपोरेटर अने एब्जॉर्बर। ओके, जनरेटर, कंडेन्सर, इवेपोरेटर अने एब्जॉर्बर। आनी अंदर कम्प्रेशर नहीं होय। ओके, आनी अंदर कम्प्रेशर नहीं होय। ओके, मेजरली आटला एना पार्ट्स छे अने हीट एक्सचेंजर। ओके, तो सौ प्रथम शुरुआत करिए तो जनरेटर, बेसिकली तमने आनी अंदर थी ऑब्जेक्टिव पण पूछाई शके के नीचेनामांथी वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कया भाग आवेला होय छे, अथवा एवो पण पूछाय कि कया भाग आवेला होता नथी। ओके, तो आनो डायग्राम आपणे समझिए। ओके, हीट एक्सचेंजर छे। ओके, बेसिकली हीट एक्सचेंजर शू करशे? हीट ने एक्सचेंज करवानुं काम करशे। ओके, अने ए जे हीट एक्सचेंज हशे ए क्यां जशे? जनरेटर में जैसे, बराबर छे। जनरेटर जे छे ए शू करशे? हाई प्रेशर एमोनिया में कन्वर्ट करी नाखशे, बराबर छे। हवे जे हाई प्रेशर एमोनिया हशे ए कंडेन्सर में जैसे, कंडेन्सर नी अंदर शू थशे? हीट रिजेक्ट थशे, बराबर छे। हीट रिजेक्ट थशे, बराबर छे। एटमोस्फियरिक एटले के हीट एब्सॉर्ब इन एटमोस्फियरिक। ओके, एक्सपांशन वाल्व जे छे एनी अंदर शू थशे? प्रेशर ड्रॉप थशे, प्रेशर में घटाड़ो थशे। पछी ए जशे इवेपोरेटर में, एमां आपणे हीट सप्लाय करीशुं। ओके, पछी एब्जॉर्बर में जशे, हीट एब्जॉर्ब। ओके, अने हीट रिजेक्शन थशे त्यां आगळी। पंप जे छे ए शू करवा माटे? फीड करवा माटे, एटले के एब्जॉर्बरमांथी जे एमोनिया, कयो एमोनिया हशे? स्ट्रॉंग एमोनिया हशे, एने फीड करशे अने फरी पाछो एने हीट एक्सचेंजरमां मोकलशे अने आखी साइकल रिपीट थया करशे, बराबर। डिटेलमां आपणे स्टडी करीए के केमनुं शू थाय छे, केमनुं फंक्शन छे। तमे पहेला आ पिक्चराइज डायग्राम मगजनी अंदर कॉपी करी लो कि आ डायग्राममां आ लोकेशने आ वस्तु मूकेली छे। जनरेटर छे, कंडेन्सर छे, एक्सपांशन वाल्व छे, इवेपोरेटर छे, एब्जॉर्बर छे, पंप छे, हीट एक्सचेंजर छे। तो ये लोकेशन बधी याद राखो। डिटेल में आपणे स्टडी करीए छे कि जनरेटर केमनुं फंक्शन करे छे, क्यांथी शू फ्लो थाय छे। ओके, सौ प्रथम जुए कि आ सीस्टम में रेफ्रिजरेंटनुं कम्प्रेशन थतुं नथी, बराबर छे। कम्प्रेशन थतुं नथी, कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेम्बर में उत्पन्न थती वराळ एक्वा एमोनिया वासण, एटले के एक सीस्टम बनायेली हशे कि जे वासण एटले के एक बॉक्स तमे कही सको, एक वेसल बनायेलू हशे कि जेनी अंदर एमोनिया प्लस पाणी, एमोनिया प्लस वॉटरनु मिक्सचर तैयार थयेलू हशे अने वराळ आ वासणमां શોષાય, એટલે કે શું થશે? વરાળ એટલે કે તમારી જે સ્ટીમ હશે, વેપર હશે, ઓકે, એ એબ્સોર્બ થશે। ઓકે, ગરમીના સીધા ઉપયોગ, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ હશે, કેવો હશે? ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટના કારણે રેફ્રિજરન્ટનું વરાળમાં રૂપાંતર થશે। રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ કન્વર્ટ સામાં થશે, વેપરમાં કન્વર્ટ થશે, જેનું દબાણ એટલું હોય કે જેથી હવા અને ઠંડા પાણીના તાપમાનથી કન્ડેન્સેશન થાય, બરાબર છે। એનું ટેમ્પરેચર અને એનું પ્રેશર એટલું હશે કે એનું કન્ડેન્સેશન થઈ જશે। તો ઇવેપોરેટરની વાત કરીએ તો ઇવેપોરેટર જે છે એની અંદરથી જે આવતી નીચા દબાણવાળી એમોનિયા,
बराबर है, एमोनिया वेपर हे एनु एब्जॉर्प्शन दाखल थे एना कारण शू थे तो जो वीक एमोनिया हे बराबर है एनु एब्जॉर्प्शन थी जैसे द्रावण में एब्जॉर्ब थे बराबर है द्रावणनी अंदर शू थे एब्जॉर्ब थी जैसे आ क्रिया आजूबाजू तापमान करता थोड़ा वधारे तापमान था टेम्परेचर केव हे हाई हे गर्मी जे आजूबाजू जो मीडियम हे एना शू कह ट्रांसपोर्ट थी जैसे स्थलांतरित हो जो स्ट्रॉंग एमोनिया हे बराबर है एनु जे द्रावण जे हे ये पंप मार्फते तमे हीट एक्सचेंजर में मोकलवामां आवशे मैं कीधु ए प्रमाणे जे एमोनिया जे छे पंप मार्फते एनु हीट एक्सचेंजर में मोकलवामां आवशे जेनु टेम्परेचर अने दबाण जे छे ए जाळवामां आवशे बराबर छे टेम्परेचर अने दबाण बंने जाळवामां आवशे आ स्थिति में एमोनिया वराळ जे द्रावण थी जे छे ए अलग पड़शे बराबर है केम आम थू तो ऊंचा तापमानवाला सोर्स में गर्मी स्थलांतर कारण ओके पची जो वराड एट के वेपर एमोनिया हे बराबर है वेपर एमोनिया ये कंडेन्सर में दाखल थे ज्यादा कंडेन्सेशन थे ओके हम एन सीओपी एट के कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मंस आप शोधव होना सूत्र है कि ओपरेशन दरमियान शोषाती गर्मी एट के एब्जॉर्ब थे गर्मी पची पंपन वर्क और हीट एक्सचेंजर में अपाती गर्मी तुम एक मैथमेटिकली इक्वेशन मैसे टी थ्री टी वन माइनस टी टू टी वन टी टू माइनस टी थ्री तेरे आ इक्वेशन प्रूव करने पूछात नहीं ओनली आ इक्वेशन याद रखवा आ इक्वेशन आप खाली याद रखवा एक्जाम में साबित करने पूछात नहीं तरह सिलेबस में नहीं खाली इक्वेशन एक पूछाय इक्वेशन आप एक याद रखीशू टी वन बराबर टी वन माइनस टी टू सॉरी टी थ्री टी वन माइनस टी टू भाग्या टी वन टी टू माइनस टी थ्री ओके तो आ सूत्र शानू आ सूत्र जानू वेपर एब्जॉर्प्शन सीस्टमन एडवांटेजिज जुए तो आनी अंदर कोईपण जातना मूविंग पार्ट्स नहीं तो एना कारण अवाज नहीं थाय बराबर है मूविंग पार्ट्स एट के तमे एना पंप छे फेन छे कम्प्रेसर छे एवा कोई टाइपना मूविंग पार्ट्स नहीं होय तेना कारणे अवाज नहीं थाय तो आ अवाज वगर तमे एनो यूज करशो एटले के नॉइजलेस छे घसारो ओछो थशे कारण के मूविंग पार्ट नथी ऑटोमेटिक कंट्रोल पॉसिबल छे तमे अमुक कैपेसिटी सुधी इजीली यूज करी शको छो। नेक्स्ट छे एमोनिया हाइड्रोजन कि जेनु बीजू नाम छे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर एमोनिया हाइड्रोजन कि जेने इलेक्ट्रोलक्स तरीके पण ओळखे छे रेफ्रिजरेंट पहेलो प्रश्न निकले कि इलेक्ट्रोलक्स सीस्टम नेचरमांथी कई छे तो एम ऑप्शन आप एमोनिया हाइड्रोजन तो खबर पड़वी जो है कि इलेक्ट्रोलक्स जो रेफ्रिजरेटर सीस्टम है एने एमोनिया हाइड्रोजन पण कहेवाय छे क्या तो एमोनिया हाइड्रोजन तो एने इलेक्ट्रोलक्स पण कहेवामां आवे छे। नाना डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन माटे स्मॉल जे डोमेस्टिक घरगथ्थु उपयोग माटे एमोनिया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पर काम करे छे बराबर छे એટલે કે એમોનિયા એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ લાઇટ કેપેસિટી સ્મોલ ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટોલ સ્મોલ ડોમેસ્ટિક પર્પઝથી યુઝ થશે નીચા દબાણવાળી બાજુએ જે લો પ્રેશર હશે ત્યાં હાઇડ્રોજન દાખલ કરવામાં આવશે અને પંપ વડે દૂર કરી શકાય એમોનિયા સામાન્ય રીતે આંશિક દબાણ બરાબર છે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઉપર કામ કરશે સિસ્ટમનું કુલ ટોટલ પ્રેશર સરખું રહે તે માટે ગોઠવણી કરેલી હશે બોઇલરમાંથી એબ્ઝોર્પ્શનમાં પસાર થતું નબળું દ્રાવણ ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે ફ્લો કરશે સ્ટ્રોંગ દ્રાવણ હશે એટલે કે સ્ટ્રોંગ દ્રાવણ હશે એ વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવાહ બોઇલર અને એબ્ઝોર્બર વચ્ચે ઊભી પાઇપથી કરાય આ જે ઊભી પાઇપ જે છે એની નીચેના છેડે નાની હીટિંગ કોઇલ અથવા ગેસથી ગરમ કરાય બરાબર છે ફાયદો એ છે ફરતા ભાગ હમણાં પણ નથી દાખલા તરીકે પંખો છે કોમ્પ્રેસર છે પંપ છે જેના કારણે
એનું મેન્ટેનન્સ ઓછું આવશે, ઘસારો ઓછો થશે, અવાજ ઓછો કરશે. સીઓપીનું ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખીશું, ઇવેપોરેટર દ્વારા શોષાતી ગરમી એટલે કે ઇવેપોરેટર દ્વારા જે એબ્સોર્બ થતી હીટ હોય એ ભાગ્યા બર્નર દ્વારા અપાતી ગરમી એટલે કે હીટ સપ્લાય. આ અલ્ટિમેટલી એવું કહે છે ઇવેપોરેટર દ્વારા જે એબ્સોર્બ થતી હીટ હશે, ઇવેપોરેટર બરાબર છે, ઇવેપોરેટર દ્વારા એટલે કે ઇવેપોરેટર બાય એબ્સોર્બ હીટ અને બર્નર દ્વારા અપાતી ગરમી એટલે કે હીટ સપ્લાય. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. ઓકે, ગુડ બાય, થેન્ક યુ.